बॉटम टू में थी संजना भट्ट, फिर भी कैसे पहुंची शो के फिनाले में। दोस्तों, जीटीवी के पॉपुलर सिंगिंग रियलिटी शो सारे गामा पा सीजन 2021 के धमाकेदार ग्रैंड फिनाले का काउंट डाउन यानी कि दोस्तों उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी हाँ, और दोस्तों आपको बता देंगे जीटीवी के इस सबसे बड़े म्यूजिक के त्यौहार की सबसे बड़ी रात होगी आने वाली 6 मार्च, जब इस दिन फिनाले की धमाकेदार नाइट में शो को मिल जाएगा उसका विनर और इंडिया को एक नया सिंगर। वहीं दोस्तों आपको बता देंगे ग्रैंड फिनाले का बिगुल बजते ही उसके टॉप 6 फाइनलिस्ट के नाम भी सामने आ जाते हैं, और दोस्तों जिनमें सिंगर संजना भट्ट अपनी जगह नहीं बना पाती हैं, जो कि बॉटम टू में रहकर शो से बाहर हो जाती हैं। बता दें दोस्तों, सबसे पहले शो के टॉप 5 फाइनलिस्ट के लिए नीलांजना राय, सचिन कुमार, राजश्री बाघ, संदिग्धाजीत भौमिक और दोस्तों अनन्या चक्रवर्ती को चुन लिया जाता है, जबकि बॉटम टू में यानी कि डेंजरस जोन में होते हैं सिंगर संजना भट्ट और शरद शर्मा। और दोस्तों इसमें बाजी मार लेते हैं सिंगर शरद शर्मा और बन जाते हैं शो के छठे फाइनलिस्ट। जी हाँ, यानी कि दोस्तों संजना के बजाय सिंगर शरद शर्मा का नाम छठे फाइनलिस्ट के लिए ऐलान हो जाता है। बट दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि शो से बाहर होकर भी संजना फिनाले में कैसे पहुंची और कैसे बनी शो की फाइनलिस्ट। तो दोस्तों आपको बता देंगे सेमीफिनाले के एंड मोमेंट पर सिंगर सचिन कुमार पूरी बाजी ही पलट देते हैं, जब वह अपनी जगह संजना को दे देते हैं और खुद हो जाते हैं शो से बाहर। जी हां दोस्तों, विनर की रेस में सबसे आगे चल रहे सचिन कुमार संजना को बचाने के लिए खुद शो से एलिमिनेट हो गई और एंड में संजना की हो जाती है शो के टॉप 6 फाइनलिस्ट में एंट्री। वैसे दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है? एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब नाउ। Thank you.